की राजनीति में नया ट्विस्ट। 24 घंटे के अंदर गवर्नर साहब ने हमें लेटर दिया है कि आप हर एक एमएलए की नाम और उसकी कॉन्स्टिट्यूशन का नंबर और उसकी साइन ये सब करके हम उनको चाहिए। ये आज शाम तक तो हो नहीं सकता, अभी देखते हैं हम। कांग्रेस की दुविधा, छीनेगी पवार से पावर। पवार साहब से सोनिया जी गांधी की बात हुई है और एनसीपी का भी लेटर नहीं पहुंचा है, हमारा भी नहीं पहुंच पाया है गवर्नर के पास। हम शिवसेना से भी पवार साहब बात करेंगे और बात करने के बाद आगे क्या करना है तो सोचेंगे उस बात। शिवसेना के बाद एनसीपी का भी गेम ओवर। पूरा दिन कल हम उनका जो भी लेटर चाहिए था उसकी राह देख रहे थे, लेकिन शाम तक वो लेटर मिला नहीं और अकेला हमारा लेटर देना ठीक नहीं था। महाराष्ट्र में जारी सियासत का महासस्पेंस। हमें महाराष्ट्र में स्थिर सरकार चाहिए जो सत्यवचनी है और झूठ बोलती नहीं है, तो वो सरकार बनाने के लिए हम यहाँ हैं। भारतीय जनता पार्टी की कोर टीम की बैठक संपन्न हुई, सारी राजनीतिक। और चलिए अब आपको सीधा ले चलते हैं जहां दिल्ली से जयपुर पहुंचे हैं राजस्थान प्रभारी अविनाश पांडे। जहां आपको बता दें वर्किंग कमेटी की दिल्ली में बैठक थी, जिसके लिए महाराष्ट्र के जितने भी वरिष्ठ नेतागण हैं उन सब से माननीय कांग्रेस अध्यक्ष ने चर्चा की और आने वाले समय में उन किस प्रकार से महाराष्ट्र की जनता को एक स्थायी सरकार दे सकते हैं और उसमें कांग्रेस की क्या भूमिका हो सकती है, इन सभी संभावनाओं पर चर्चा हुई। इसको लेकर हमारे जो सहयोगी दल हैं एनसीपी, उनके साथ में चर्चा बहुत जल्दी होने वाली है और उसको लेकर आगे में जैसी भी आगे में निर्णय होगा उसके बारे में फिर सभी लोगों को बताया जाएगा। 8:30 बजे तक का समय था, आप सोनिया गांधी से मुलाकात करके यहाँ मैसेज लेके आए हैं, वो मैसेज यहाँ ब्रीफ करेंगे क्या मुलाकात? नहीं, मैसेज अब ये है कि सब लोगों को एकत्र रहना है और पूरे जिम्मेदारी के साथ जो जनता ने मैंडेट दिया है उसका सम्मान करते हुए आगे में महाराष्ट्र के लिए क्या उचित है वो निर्णय सबकी चर्चा करके। कब तक रवानगी होगी सबकी यहाँ से, क्योंकि 8:30 बजे? सर एनसीपी के नेतृत्व में महाराष्ट्र में सरकार बनने जा रही है। ये निकाल सर। ठीक है ठीक है। तो महाराष्ट्र में जारी सियासी घमासान के बीच यहां पर आपको बता दें जहां विधायक पहले से जयपुर में है महाराष्ट्र के कांग्रेस से ताल्लुक रखने वाले, ऐसे में अविनाश पांडे जब जयपुर पहुंचे तो उन्होंने मीडिया से मुखातिब होते हुए क्या कुछ अंदर खाने चल रहा है ये जानकारियां देते हुए नजर आए। अब से करीब 7.5 घंटे बाद महाराष्ट्र के राज्यपाल द्वारा एनसीपी को बहुमत साबित करने के लिए दी गई डेडलाइन खत्म हो रही है। बीजेपी और शिवसेना पहले ही बहुमत साबित करने में नाकाम रही है। उम्मीद थी कि कांग्रेस के साथ चुनाव से पहले ही गठबंधन बना चुकी एनसीपी शायद बहुमत साबित कर ये बाजी मार लेगी, लेकिन सियासत के समीकरण के आगे शिवसेना का साथ देना कांग्रेस को दुविधा में डाल गया है। अब उसे एनसीपी का दोस्ताना भी खतरे का सौदा लग रहा है। नतीजा यह है कि सिर्फ 24 घंटों में महाराष्ट्र पर मंडराने लगा है राष्ट्रपति शासन का खतरा।